हेलो फ्रेंड्स, कहना किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ न्यूट्रिला यानी सोया बड़ी की सब्जी। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, क्या आप भी इस तरह से बनाते हैं? इसके लिए मैंने दो आलू लंबे लंबे कट कर लिए हैं। अब मैं पहले आलू को फ्राई करूंगी। ये पूरा डीप फ्राई में आलू को कर रही हूँ। आप जानते हैं आलू का तेल सोखता नहीं है, तो इसमें ये घबराने की जरूरत नहीं है कि तेल बहुत ज्यादा लग रहा है। आलू हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। मैंने लंबे कट किए हुए हैं, आप जिस भी आकार में काटना चाहें, साइज में आप काट सकते हैं। अब मैं इस आलू को निकाल ले रही हूँ और अब मैं इसका ऑयल निकाल ले रही हूँ। और अब बड़ी डालकर, सोया बड़ी न्यूट्रिला डालकर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं न्यूट्रिला, अब मैं निकाल ले रही हूँ। जो मैंने ऑयल निकाला था, अब मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ। ये मसाले तैयार करने के लिए मैंने थोड़े गरम मसाले ले लिए। ये मैंने डाला तेज पत्ता, 4 से 5 दाने काली मिर्च, 2 लौंग, 2 हरी इलायची जिसको मैंने छील लिया है, 1 काली बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री और ये डाला जीरा। और ये डाला हींग और ये प्याज लाल मिर्च। अब भून रही हूँ, प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब डाल रही हूँ लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट और ये प्याज का पेस्ट। ये मैंने टमाटर डाल दिया है। अब इसको टमाटर को भूनने के लिए गैस की फ्लेम एकदम लो कर दूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिसमें टमाटर अच्छे से गल जाए। ये के टमाटर अच्छे से गल गए हैं और अब मैं इसको मैश कर ले रही हूँ थोड़ा। और अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भूनने दूंगी। ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही डालते समय एक बात का ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम एकदम बंद कर देनी है, सॉरी एकदम लो कर देनी है जिससे दही फटे ना, और लगातार चलाते रहना है। और अब इसमें डाला थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से ऐसे रगड़ के डालना चाहिए, इससे स्वाद और अच्छा हो जाता है। और मैंने जो बड़ी और आलू फ्राई करके रखे थे, अब मैं उसको ऐड कर रही हूँ। मैं ग्रेवी लगाने के लिए इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सूखा भी खा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसको आपको 2 से 3 मिनट ढककर पकाना होगा और मैं पानी डालकर अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। मैं गरम पानी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और अच्छा लगेगा। ये देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है और ये मैंने गार्निश किया हरी धनिया से। प्लीज कमेंट्स कर बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे FB और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मैं मिलती हूँ अगली डिश के साथ।